बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई है, दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 39 नाम शामिल है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, सतना से गणेश सिंह, छिंदवाड़ा से बंटी साहू, देवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, सीधी से रीति पाठक, ये वो नाम है जो कि इस दूसरी सूची में शामिल किए गए हैं। सीधी से रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आपको हम बता रहे हैं। 39 लोगों के नामों का ऐलान किया गया है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल। और इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा बातचीत करने के लिए हरिभूमि आनिश 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी खुद जुड़ चुके हैं। सर, आखिरकार वो सूची आ गई जिसका लंबे समय से इंतजार था, इस सूची को कैसे देखते हैं आप? इस सूची में अधिकारी नाम तो बहुत सारे ही हैं जिन नामों को हम तकरीबन 10 दिन पहले ही सार्वजनिक कर चुके थे, पर इस सूची में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफी एग्रेसिव तरीके से प्रत्याशी घोषित किए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, राकेश सिंह और कैलाश विजयवर्गीय का इस सूची में होना बता रहा है कि मध्य प्रदेश के हालात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी संजीदा है और वह चुनाव के संदर्भ में कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। इवन राव उदय प्रताप सिंह, इसमें आधा दर्जन से ज्यादा सांसद हैं, इन आधा दर्जन सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाने का फैसला ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 2018 के मुकाबले कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के नाम शामिल किए गए हैं इसमें कुछ नए नाम भी शामिल है, और जैसे कि आपने पहले भी बताया था जो सूची में आपने जो नाम बताए थे उसमें भी हमने देखा कि बहुत से नाम हैं, ऐसे में कितनी बैलेंस ये सूची है? वो सूची में बहुत से नाम नहीं है, 100% वो नाम है जी। इसके अलावा जो नाम है वो उसके अतिरिक्त है, जैसे श्योपुर के संदर्भ में हमने दुर्गा लाल विजय का नाम बताया जी, वो है। रघुराज कंशाना जो सिंधिया के साथ आए थे वो चुनाव हार गए थे पर उनका नाम रहेगा, वो नाम है। हमने भितरवार के संदर्भ में बताया था मोहन सिंह राठौर रहेंगे, तो मोहन सिंह राठौर का नाम है। तो एक लंबी सूची है, चाहे वो लाहौर से गोविंद सिंह के खिलाफ लड़ने के संदर्भ में बात हो, अमरीश शर्मा गुड्डू उनका नाम है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने परंपरा से हटकर नाम तय किया है, और वो जो नाम तय किया है उसके तहत कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, गणेश सिंह, ये नामों का होना अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता ले रही है। रीति पाठक इस नाम में शामिल है सूची में, जो सीधी से सांसद है। राकेश सिंह जो लगातार जबलपुर से चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनको जबलपुर पश्चिम से प्रत्याशी बनाने का फैसला किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश देखी कि मध्य प्रदेश की सियासत के जितने भी बड़े चेहरे हैं अलग अलग वर्गों के, उन सबको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। अपने आप में बहुत ही आक्रामक सूची है, मतलब ये अचंभित करने वाली सूची है। ये भारतीय जनता पार्टी ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, ये फैसला प्रदेश नेतृत्व का नहीं है। ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व परिस्थितियों को देखते हुए कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है, इसलिए उसने अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नाम हो सकते हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2024 के संदर्भ में फैसले बाद में होते रहेंगे, पहले 2023 में सत्ता में बने रहना है मध्य प्रदेश में। इसके मद्देनजर इन नामों को मैदान में उतारा गया है, साफ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो नाम जिस तरह के सामने आए हैं, चाहे इमरती देवी का नाम हो या फिर ज्योति डहरिया, गंगाबाई उइके, उदय प्रताप सिंह, ये जो नाम है, हम चाहेंगे थोड़ा इन नामों पर भी आप बताएं विस्तार से दर्शकों को कि इनको चुनने के पीछे की वजह क्या। देखिए, इसके अंतर्गत राव उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद के सांसद हैं, इसके बावजूद भी उनको अगर मैदान में उतारा गया है तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं। बाकी जितने भी नाम है, इमरती देवी वगैरह, ये तो अपने अपने क्षेत्रों के नाम है। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो सनी आपके समझने की है और दर्शकों के भी समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तकरीबन 7 या 8 सांसद मैदान में उतार दिए। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फैसला है, और ये बताता है कि मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई है और उस कांटे की लड़ाई के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है।
बिल्कुल 39 नाम आए हैं, इसके पहले भी 39 आए थे। ऐसे में ये जो नाम आ रहे हैं बहुत छन छन कर आ रहे हैं, ये जो एक रणनीति है इसको कैसे समझे? नहीं, रणनीति क्या, रणनीति भाई एक कठिन मुकाबला है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले पीछे रह गई थी, इसलिए इस बार उस चीज को ध्यान में रखकर फैसले पार्टी के नेतृत्व द्वारा लिए जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो फैसला यही है कि नरेंद्र सिंह तोमर एक बहुत बड़ा नाम है, उस नाम को सीधे विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला लिया जा रहा है। अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव को कठिन भी मान रही है और उसमें कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय उनको मैदान में उतार दिया गया है, इसका मतलब कि इंदौर मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ये चेहरा है। तो कमोबेश भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में एक संभावना पैदा कर रही है चुनाव को लेकर। जी, इसके पहले जो 39 नाम आए थे उसमें से लगभग 15-16 जगहों पर ऐसी स्थितियां भी आई कि वहां से खबरें आई कि कुछ जगहों पर विरोध भी हो रहा है, कई दूसरे दावेदार नाराजगी भी दिखा रहे हैं, इन बातों का कितना असर पड़ेगा? सामान्य सी बात होती है, कोई इतना बड़ा राजनीतिक दल है, कई लोग अभिलाषा रख रहे हैं कि अब उन्हें मैदान में मौका मिले, पर मिलता किसी एक को है तो तात्कालिक रूप से एक प्रतिक्रिया होती है। पर भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखें तो वो उन लोगों को इस प्रकार के हालात को संभालने में भारत हासिल है, और उसी की दृष्टि से उन्होंने एक दो दिन हवा चली उसके बाद उन चीजें संभाल ली। तो भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों को हैंडल करने में इतनी दिक्कत नहीं जाती है अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले, क्योंकि वहां पर इन चीजों को देखने भालने संभालने के लिए एक बड़ा तंत्र मौजूद है, इसलिए उस दृष्टि से भाजपा निश्चिंत रहती है। बिल्कुल, जिस तरह के जो सांसदों के नाम सामने आए उसके बाद एक दूसरा सवाल ये भी आता है जहन में कि क्या अब केंद्र की कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए, उम्मीदवार होने से केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती सर। जब ये लोग चुनाव जीत जाएंगे तब ये फैसला करना होता है कि वो विधानसभा में रहेंगे या संसद में रहेंगे, तो इसलिए तात्कालिक रूप से केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव का कोई फैसला नहीं होना है। फग्गन सिंह कुलस्ते और नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री बने रहते हुए भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए उसमें कोई अड़चन थोड़ी है, इसलिए वो कहीं से भी उन्हें प्रभावित नहीं करता है। जी, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि एक बड़ी चुनौती जहां बीजेपी दे रही वही कांग्रेस ने अब तक ऐलान नहीं किया है, इस रणनीति को कैसे समझे? कांग्रेस को चीजों को हैंडल करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए वो इतनी जल्दी प्रत्याशी घोषित करके जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसकी प्रतिक्रिया काफी सख्त मिलेगी, तो इस चीज का असर रहता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, प्रधान संपादक हरिभूमि आर्य 24/7 हमारे साथ जुड़े थे, जो कि इस सूची के बारे में विस्तार से हमें बता रहे थे किस तरह से इस सूची को तैयार किया गया है। और जैसे कि पहले ही 10 दिन पहले आईएनएस 24/7 ने जो सूची बताई थी उसी सूची के तहत लगभग सभी नाम मिलते जुलते हुए यहाँ पर लगभग पूरे वही नाम। और जैसे कि आईएनएस 24/7 लगातार अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता रहा है, एक बार फिर से हमारी खबर पर मुहर लगी है। जाहिर तौर पर सबसे सटीक चुनाव की खबरों को लेकर अग्रणी रहा है आईएनएस 24/7, एक बार फिर से आईएनएस की जो सूची थी उस पर मुहर लगी है। और जैसे कि प्रधान संपादक हमें बता रहे थे कि सांसदों को मौका दिया गया है, यानी कि कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है बीजेपी, हर हाल में उसे जीत चाहिए, और इसीलिए इन तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक, राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये वो नाम है, ये वो चेहरे हैं जिनका कद मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह का इनका समर्थन है, लोकप्रियता है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जमीनी तौर पर जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, जाहिर तौर पर इनको अब पार्टी मैदान में लाना चाहती है, यानी कि अब इनसे मुकाबला होना है विपक्षी दलों का। अपने आप में लंबे दशकों का इनका एक अनुभव रहा है जिसका सीधा फायदा पार्टी को मिलेगा। अब तक के जो उनका कामकाज रहा है, जो जमीन पर उन्होंने किया है, कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जिस तरह की उनकी लोकप्रियता रही है, सीधे तौर पर इसका जो लाभ है वो पार्टी को मिलेगा, संगठन को मिलेगा। और ये बात बखूबी समझते हुए संगठन ने, पार्टी ने ये बड़ा निर्णय लिया है। और आपको हम लगातार स्क्रीन पर वो नाम भी बता रहे हैं जिनका ऐलान किया है, 39 नाम है जिनको कि विधानसभा का जो टिकट है वो दिया जा रहा है, जिसके लिए लगातार इंतजार भी किया जा रहा था। आपको बारी बारी से वो नाम हम बता देते हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से वो नाम हैं जिनको ये मौका मिला है। श्योपुर से दुर्गा लाल विजय,
मुरैना से रघुराज कंसाना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लहार से अमरीश शर्मा गुड्डू, लहार नेता प्रतिपक्ष का इलाका है, वहां से चुनाव लड़ते हैं गोविंद सिंह जी, भीतरवार मोहन सिंह राठौड़, डबरा इमरती देवी पिछली बार चुनाव हार गई थी, इस बार उन्हें फिर से मौका दिया गया है, सेवड़ा प्रदीप अग्रवाल, करेरा रमेश खटिक, हिरेंद्र सिंह बंटी बना, राघवगढ़ से इनको मौका दिया गया है, राघवगढ़ जो कि दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, देवरी ब्रिज बिहारी पटेरिया, राजनगर अरविंद पटेरिया, सतना गणेश सिंह, मैहर श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी रीति पाठक सांसद है उनको मौका मिला है, सिहावल विश्वमित्र पाठक, कोतमा दिलीप जायसवाल, जबलपुर पश्चिम राकेश सिंह जो कि एक बड़ा नाम है बीजेपी में, अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, डिंडोरी से पंकज टेकाम, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, कटंगी से गौरव पारधी, तो ये वो नाम है जिनका ऐलान किया गया है, नरसिंहपुर प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री है, गोंडरवारा उदय प्रताप सिंह, जुनार देव से नथन शाह। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग, 8-8, 10-10 सांसदों को उतार रही है पार्टी, यानी क्या माने कि अब पार्टी को भी ये लगने लगा है कि इस बार का मुकाबला बहुत ज्यादा कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने आप को जीत तक ले जाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसे बड़े चेहरों को, बड़े कद वाले नेताओं को उतारा जाए? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया था, किसी ना किसी तरीके से इस तरह से जो है वो सुनाई जाए ताकि तमाम बड़े चेहरे जो चुनाव जीतने की गारंटी हो उनको शामिल किया जाए, और यही कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बता भी रहा है। अगर हम इसकी सूची को देखते हैं तो ये अलग अलग क्षेत्र के सारे दिखाई, या दूसरी तरह से देखें अगर आज के घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं, पीएम मोदी जो आज मंच पे थे तो उनके साथ जितने बड़े चेहरे मंच पे पहली रो में शामिल थे उनमें से अधिकांश के नामों की घोषणा कर दी गई है, चाहे उसमें प्रहलाद पटेल हों, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, राकेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हों, हम इस पूरी फहरिस्त को नरेंद्र सिंह तोमर, इस लिस्ट में बड़ा नाम अगर छूट गया है तो चल सिंधिया था ये माना जा सकता है, लेकिन बात हर क्षेत्र का एक बड़ा दिग्गज माकपा से माकपा से प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह ग्वालियर संपत नरेंद्र सिंह तोमर रघुराम, या फिर हमारे क्षेत्र की बात प्रताप सिंह, ये वो नाम है जो सांसद है या केंद्रीय मंत्री है, यानी कि निश्चित रूप से अपना एक बड़ा रखते हैं। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मान रही है कि ये मुकाबला आसान नहीं है, इस दूसरी सूची में ये बिल्कुल तय रूप से बता दिया है कि पार्टी को कड़ा मान जा रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम अन्य छोटे नामों की बात करते हैं, चाहे वो हम की बात करें, इमरती देवी की बात करें, तो इस सूची में महिलाओं को भी शामिल करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन नामों को शामिल किया गया है तो खुद मंत्री रही है, नाम जितने भी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है, भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा था कि ऐसे नाम आते तो आने वाले नए चेहरों से ज्यादा इन्होंने उन पुराने और स्ट्रॉन्ग चेहरों पर विश्वास किया है जिनका कहीं वर्चस्व अपने क्षेत्र में है, और पूरी की पूरी पार्टी इस बात को जाहिर करती है। बंटी भाव की बात से छिंदवाड़ा में उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो ये बहुत पश्चिम में जबलपुर की अगर हम बात करते हैं राजस्थान के नाम तो तुमको सबको भरोस के सामने मुकाबला करना है, इस पूरे फैसले को आप देखिए कड़े मुकाबले में कड़ी जगह पे दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है, यानी कि वो सीटें इनमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास उतार उन पर अगर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे इस पूरी फैलिस्ट में बहुत सारी सीटें हैं जो वर्तमान में कांग्रेस के पास है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों को उतार दिया है ताकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर वापस कर सके या भारतीय जनता पार्टी संघर्ष को बढ़ा सके जो 2018 में कम रह सकती, तो इस स्ट्रेटजी में बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है दिग्गजों को उतारा गया है, लेकिन दिग्गजों के साथ उन सीटों की जहां फिलहाल का
नजर आ रहा है, चाहे वो तरुण बनोत की बात करें या बैतूल जिले की बात करें या कांग्रेस के पास बनी से, सबसे ज्यादा सीटें फिलहाल हम तो प्रैक्टिकली रुक जाए। इसके अलावा भी जिन सीटों की बात करें वहां पे फिलहाल कांग्रेस जीत के अधिकांश सीटों पे जहां उतारा गया है, तो ये बड़ा गणित बताते हैं कि गजब के सारे भारतीय जनता पार्टी उस नंबर को हासिल करना चाहती है फिलहाल कांग्रेस ने 2018 में हासिल किया था। मुकाबला कितना कड़ा है इस बात किया जा सकता नहीं। बिल्कुल, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे अनुराग, जिस तरह से ये जो सूची जारी की गई है इसके पहले ABCD एक समीकरण तैयार किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी हारती आई है या लंबे समय से हार रही है उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, दूसरे नंबर पे जो दूसरे नंबर पे रहे कैंडिडेट उनकी कैटेगरी को रखा गया। इस तरह से जो ABCD का जो फॉर्मूला है और जो सर्वे का फॉर्मूला है उसको कितना लागू किया गया, क्योंकि एकाएक जिस तरह से जो नाम आए हैं बड़े बड़े ये अनएक्सपेक्टेड थे। देखिए पहली सूची में डी कैटेगरी की सीटें, दूसरी सूची में सी कैटेगरी की, तो आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 35 सीटें हैं उन पर उम्मीदवार नहीं कर रही, बुद्धि से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं, जबकि हम जानते हैं कि कहां से कौन नाम आने वाला है। तो हुसैनाबाद से हम बात करें तो तय है वहां से कोई नाम नहीं है, नर्मदापुरम की बात है तो नर्मदापुरम जिले की बात कर रहे हैं, संसदीय क्षेत्र की नहीं, क्षेत्र का नाम है लेकिन नर्मदापुरम संसद क्षेत्र जहाँ पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं है क्योंकि फिलहाल जहाँ पर या तो कांग्रेस के तबके से है, कांग्रेस के वर्चस्व की सीटें हैं, पहली सूची भी वैसी ही थी और दूसरी सूची भी वैसी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें सूची को अगर हम देखते हैं तो ये साफ तौर पर अगर हम ध्यान बार बार कह रहे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो कैटेगराइज किया था सी और डी कैटेगरी इस पर फिलहाल फोकस किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करेगी। इसके लिए पार्टी नहीं है वहां खड़बड़ाहट, इसलिए एक बात तैयारियों की जरूरत नहीं, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण है वो है मैया। मतलब तो भारतीय जनता पार्टी में नारायण पार्टी हुआ करते थे, हम देख रहे थे कि नारायण पार्टी भाजपा की दुनिया है लेकिन पार्टी ने उनको नहीं निकाला था, पर अब ये बहुत स्पष्ट है नारायण त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध अब पूरी तरह खत्म, क्योंकि मैया को श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया गया। श्रीकांत चतुर्वेदी दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीब माने जाते हैं और एक टिकट मिला है, निश्चित रूप से अब नारायण पार्टी देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस स्थिति में। बिल्कुल, और ऐसे जो नाम जिन पर कि चौंकाने वाले नाम हैं उस पर भी हम आपसे बात करेंगे अनुराग, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता। स्पर्श, आखिरकार लंबे समय के बाद ये सूची आई और ऐसी सूची आई कि जो चौंकाने वाली है, लगभग 8 से 10 सांसदों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं, किस तरह का मंथन, किस तरह का चिंतन, किस तरह से ये तय हो पाया कि इन नामों पर सहमति बन जाए? ये बड़ी जानकारी है कि 39 नामों में से कई दिग्गज नाम भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आने, सीधे तौर पर बात करें और हमने देखा था कि किस तरीके से एक लंबी मैराथन बैठ के जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है पहले JP नड्डा के आवास पर बैठ के करते हैं, फिर उसके अगले दिन जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती हुई जो है नजर आती है। अब इस लिस्ट का विश्लेषण अगर हम समझने की कोशिश करें तो 39 उम्मीदवारों में से 6 महिला उम्मीदवार जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और 14 जो उम्मीदवार है वो SC ST उम्मीदवार जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है नजर आ रही है। हम जानते हैं कि अभी तक चुनाव घोषित नहीं हुए हैं, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, कांग्रेस लगातार मंथन ही जो है करती हुई नजर आ रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में, लेकिन BJP अब तक अगर बात करते हैं तो कुल मिलाकर 78 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है और जिसमें कई दिग्गज नाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, सांसदों के नाम है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी तैयारी जो है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की तौर पर जो है करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से सूची देखने को मिलती हुई नजर आई है, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस किस तरीके से जो है टिकट वितरण करती हुई नजर आती है। अमूमन हम देखते हैं कि पार्टियों के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति होती है कि किस तरीके से जो है सामने वाली पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है या फिर किस तरीके से जो है मैदान में जो है चुनाव लड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीधे तौर पर बात करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ते हुए
चुनाव जो है पहले चलिए स्पर्श आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन अनुराग मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से एसटी एससी ओबीसी उम्मीदवारों को लेकर खास तौर पर फोकस पार्टी का रहा है इस सूची में भी हम देख पा रहे हैं, और चाहे आशीर्वाद यात्रा की भी बात क्यों ना कर ले, पिछली बार जो नतीजे आए थे उसमें जो 78 सीटें लगभग जो प्रभावित करती है और जो 47 रजिस्टर्ड सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए, उसमें जो बड़ा फायदा मिला था पिछली बार वो कांग्रेस को मिला था। इस बार क्या माने कि सेंटर में ये जो समीकरण है इसको विशेष ध्यान रखा गया है? नहीं देखिए, ये जो सूची है आरक्षित उम्मीदवारों को दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ नाम शामिल किए गए हैं। के बाद एक मैसेज देने की कोशिश है कि भले ही उसमें अभी लागू नहीं होगा, बाद में लागू होगा, लेकिन हम क्या कहीं जो बात कह रहे हैं उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं, छह नाम को शामिल करके कोशिश की गई। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात एक और इस पूरी सूची में ध्यान देने वाली है, कमलनाथ सरकार के मंडल के जो सदस्य रहे उन सदस्यों की सीटों पर अधिकांश नाम यहाँ से किए गए। कमलेश्वर पटेल की सीट पर नाम है, जयवर्धन सिंह की सीट पर नाम है, इसके अलावा बात करें तो मरकाम की सीट पर नाम है, खुद रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सीट पर नाम है। तो आज जहां पर कांग्रेस के दिग्गज है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम घोषित को आप ध्यान रखेंगे उन बहुत सारी जगहों पर तरुण गहलोत सीट पर नाम है, तो जो कांग्रेस सरकार के बड़े नेता थे मंत्री थे उन सीटों पर भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उतारे हैं इस फहरिस्त में, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या नगरीय प्रशासन मंत्री की बात करें या आदिवासी कल्याण मंत्री की बात करें, उस फहरिस्त में वो तमाम चेहरों के सामने उम्मीदवार घोषित कर दिए गए कि इनके सामने तैयारी की ज्यादा जरूरत भाजपा को महसूस होती है। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श के पास मैं जाना चाहूंगा। अनुराग, स्पर्श जिस तरह से ये नामों का लगातार जो हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से बैठकों का दौर चला है, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे जो रणनीति बनी है आगे इस पर और क्या नई चौंकाने वाली बातें निकल सकती है, क्या संभावनाएं दिखाई देती है और किस तरह से इसको लेकर प्लानिंग चल रही है, अंदर खाने से क्या कुछ निकल कर आ सकता है? देखिए, तीन केंद्रीय मंत्री समेत 6 सांसदों को टिकट दी गई है, इससे संदेश स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम तरीके से मैदान में जो है उतरने की तैयारी कर रही है, यानी कोई भी जो है लूप होल जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है सीधे तौर पर नहीं छोड़ना चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है मैदान में जो है कि कोई लूप होल दे। स्पर्श आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही, हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, लेकिन अनुराग आपसे हम समझना चाहेंगे जिस तरह से ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, करो या मरो वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या ये जो नाम तय किए गए कहीं ना कहीं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि जो एंटी करप्शन की बात हम करते हैं बार बार, इसको ध्यान में रखते हुए इन बड़े चेहरों को उतारा गया? देखिए बिल्कुल, एंटी तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह महसूस किया है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं, तो बड़ा मैसेज है। लेकिन इस साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हर चेहरे बहुत सारे लोग जिनको कभी मुख्यमंत्री का अवतार माना जाता था, राष्ट्रपति प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, राकेश सिंह, सिंह कुलस्ते, यानी कि उस क्षेत्र को मैसेज देने की कोशिश की कि आपके चेहरे को बड़ा मुख्यमंत्री मिल सकता है, तो आपने एक एक सेक्टर एक एक पॉकेट पे यहाँ कहीं ना कहीं कैप्चर करने की कोशिश की है। मां कौशल से फग्गन सिंह, राकेश और ये चंबल से नरेंद्र सिंह तोमर, मालवा से कैलाश विजयवर्गीय, जैसे उदय प्रताप, उसके पॉकेट जो है उनको पिक करने की कोशिश है। ये इस तस्वीर के बहुत चलिए अनुराग से भी दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो नामों की सूची है, ये जो नामों का ऐलान किया गया है 39, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश की ये दूसरी सूची है बीजेपी की, और इसमें कई बड़े चौंकाने वाले नाम सामने हैं, और जिस तरह के नामों का जिक्र यहाँ पर अनुराग कर रहे थे, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, रीति पाठक, राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये ऐसे कद्दावर नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और जिस तरह का उनका कद है, जिस तरह का वेटेज है, जाहिर तौर पर अगर भविष्य में
चेहरों को लेकर बात होती है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो इनमें से भी एक विकल्प के तौर पर ये चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि बार बार ये भी बात हो रही है कि अनुराग फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, तो वही मैं बता रहा था कि दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की सूची में नहीं उतारा गया, जबकि कांग्रेस के दिग्गजों के सामने जो है उम्मीदवारों की सूची भी जाहिर कर दी है। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी आप बहुत स्पष्ट रूप से समझिए, जो सी और डी कैटेगरी की सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की नजरों में सबसे कमजोर सीटें थी, वहां पर तैयारियों का ज्यादा प्रतिनिधित्व आचार संहिता लागू होने के पहले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। तो ये दोनों चीजें इसको इंगित जरूर कर दी। दूसरी, जो आप बात कर रहे थे एंटी इंटरनल, स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को भी उतना ही आपको मानना पड़ेगा, जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकली, जिस तरह से पीएम मोदी की रैली, और उसके बाद इतने बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारना, यानी भारतीय जनता पार्टी की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर हम फहरिस्त की बात करें या पिछली दो सूची की बात करें या समय की बात करें, कांग्रेस का अब तक एक भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी 39+39 चली गई है, तो उसकी तैयारियां कितनी पुख्ता है मुकाबले ये जाहिर करती है, और किस तरह चुनाव लड़ना चाहती है, किन दिग्गजों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, ये भी यहाँ जाहिर हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तरीके से लड़ रहे हैं जिसमें कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है 2018 की कोई भी गलती अब वो नहीं दोहराना। बिल्कुल अनुराग, आपको बीच में रोक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजकुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे हम यही समझना चाहेंगे, जिस तरह की ये सूची सामने आई, जिस तरह के नाम सामने आए, इसको कैसे आंकते हैं आप, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक संकेत बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। उसके दो कारण है, एक तो 2018 में मध्य प्रदेश का जो जनादेश किया था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था, ये अलग बात है कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 कांग्रेस विधायकों ने बगावत की और भाजपा की सत्ता में वापसी हो गई। तो एक तो 2018 का सबक है, दूसरा मोदी खुद कई बार मध्य प्रदेश की यात्रा कर चुके हैं, उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश का चुनावी रण इस बार बहुत आसान होने वाला नहीं है। इसीलिए जितने भी दिग्गज मौजूद है, चाहे वो सरकार में हो या संगठन में, नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है तो कैलाश विजयवर्गीय को भी उतारा चुनाव मैदान में, तो जितने दिग्गज मौजूद हैं उन सबको चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है, किसी तरह का जोखिम पार्टी नहीं लेने चाहती। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल जहन में ये भी आता है, जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे प्रहलाद सिंह पटेल जी का हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय, रीति पाठक, राकेश सिंह, फग्गन सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर भी प्रोजेक्ट होने की अपने आप में संभावनाएं रखते हैं, इस दिशा में क्या सोचा जा सकता है क्या? बिल्कुल सोचा जा सकता है, बिल्कुल सोचा जा सकता है, क्योंकि ये नाम लगातार चलते रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और अभी तक किसी ने बहुत स्पष्ट तौर पर खंडन भी नहीं किया है। ये ठीक है कि संकेतों में कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें संदेह कहाँ है, लेकिन मुख्यमंत्री होना, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने विकल्प भी खुले रखकर चल रही है। तीसरी बात जो हमें समझनी होगी, ये है विधानसभा चुनाव, लेकिन ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने वाले हैं, उनमें से भी खासतौर पर 3, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 8 महीने का समय बाकी है, तो कोई भी दल किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी बिना किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए सामूहिक नेतृत्व के नाम पर या प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की ये सूची है, कितनी बैलेंस आपको लगती है नए और पुराने चेहरों को लेकर, जातिगत समीकरणों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है उस लिहाज से तो भाजपा कभी कोई चूक नहीं करती। आप 2014 के बाद का कोई चुनाव देख लें, सामाजिक समीकरण उठाने में भाजपा ने कभी कोई चूक नहीं किया, और वो शायद उसका चुनाव प्रबंधन के बाद जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो उसका वही है कि हर वर्ग को, हर समुदाय को, चाहे जाति की दृष्टि से देख लें, वर्ग की दृष्टि से देख लें या आयु वर्ग की दृष्टि से देख लें, तो वो समीकरण उठाने में भाजपा ने सूची में भी कोई चूक नहीं की है।
बिल्कुल, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं उनकी जगहों पर नाम ऐलान किया गया है, यानी कुल मिलाकर पार्टी ऐसी टिकटों का नाम ऐलान कर रही है जहां पर पिछली बार मुश्किलें हुई थी। देखिए बिल्कुल, आप देखे हैं जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी वहां के उम्मीदवार सबसे पहले उतारे गए और दूसरी सीटें, दूसरी सूची में उन सीटों को टारगेट किया गया है जहां कांग्रेस के दिग्गज मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना है, चाहे उम्मीदवार के चयन का सवाल हो, चाहे सामाजिक समीकरण का सवाल हो या आक्रामक चुनावी रणनीति का सवाल हो। आज जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है वो काफी आक्रामक भाषण है। बिल्कुल, बड़े बड़े तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी सातवीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, इसके अलावा अमित शाह जी हो, अमित शाह जी ने तो पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। तो जिस तरह के ये जो समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही है, जाहिर तौर पर आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती पार्टी पेश करती दिखाई दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि हम जिक्र कर ही रहे थे यहां पर, और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे इस सूची को कैसे समझे, कैसे इसका आप विश्लेषण करेंगे, आकलन करेंगे, कितनी सही, कहां पर लगता है आपको कि बहुत मजबूत है, कहां पर कमजोर? देखिए, प्रथम दृष्टया तो यह समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चिंतित है। या तो जमीनी हकीकत उसको मालूम है कि सत्ता विरोधी रुझान है मतदाताओं के मन में, इसलिए इस चुनौती से पार पाने के लिए उसने इस दूसरी सूची में बड़े बड़े दिग्गजों को प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि उसमें तीन केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, और अगर ये लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी अगर इन्हें चुनाव लड़ा रही है, इसका अर्थ ये है कि उन सीटों पर उसको विधानसभा लायक प्रत्याशी या तो नहीं मिल पा रहा है या कड़ी चुनौती का उसको सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक दल कोई भी हो, चुनाव की जीत के लिए वो सब तरह के प्रयास करती है, कोई भी पार्टी हो, इसलिए इसे अनुचित उचित के पैमाने पर नहीं आंकूंगा मैं, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि आज की सूची ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है मोदी और अमित शाह, ये लोग मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से दो चार हो चुके हैं। एक बात और है इसमें, अब तक दो सूचियों के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम घोषित नहीं हुआ है जी। मुझे नहीं लगता कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, चार बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जैसी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चौंकाने वाली राजनीति है, कल को हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बुला लिया जाए। ये जो आज सूची आई इसमें तो कम से कम पांच लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। बिल्कुल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय। तो आने वाले दिनों में अभी ये देखना बाकी है कि शिवराज सिंह का नाम कब घोषित होता है, क्योंकि आज की भोपाल की आम सभा में नरेंद्र मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया। तो कुल मिलाकर लड़ाई बहुत तीखी और कांटे की होने जा रही है ऐसा लगता है। बिल्कुल, तो एक लड़ाई अंदर खाने और एक चल रही है बाहर खाने, क्या इस तरह से समझा जाए इसको? बिल्कुल, इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में जैसा कि एक जुमला हम और आप जैसे लोग खबरनवीस चला रहे थे कि तीन तरह की भाजपा है, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। तो ये जो अंतर्द्वंद चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में, उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये आज की सूची उसको निगाह में रखकर भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के नाम की कोई घोषणा नहीं कर रहा। नरेंद्र सिंह तोमर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, उन्होंने भी इसका सीधा जवाब नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। तो कुल मिलाकर पार्टी के भीतर के अंतर्विरोधों को शांत करने के लिए शायद ये पांच छत्र समानांतर खड़े कर दिए गए हैं कि ये पांच लोग तो मुख्यमंत्री पद के लायक हैं ही, तो इसे इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। जी राकेश जी, एक सवाल ये भी आता है मन में कि ये जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरह से अंदर खाने की हम बात चुकी कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से क्या ये जो बिखराव या टकराव या गतिरोध, ये जो बढ़ने की स्थिति बन रही है, क्या इसका कारण ये माना जाए, क्या कुछ और कारण माना जाए, 18 साल का जो शासन काल रहा है उसको माना जाए, एंटीकमेंसी को माना जाए, किसको माना जाए? देखिए, नहीं, सारे कारण मिलकर ही ये पूरी तस्वीर बनाते हैं। उसमें से उस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उस तस्वीर में बहुत बड़ा असंतोष का रंग भरने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया की आमद से हुआ है। आपने बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान सुने हैं कि सिंधिया को लेकर जो कुछ उन लोगों ने कहा है, रघुनंदन शर्मा हो,
तमाम सारे बड़े बड़े नेताओं के बयान हम सुनते रहे हैं, तो एक कारण वो भी है, लेकिन अभी ये और देखना बाकी है कहीं अगली सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो नहीं प्रत्याशी बना देती ग्वालियर से बीजेपी कहीं, बिल्कुल, तो एक और मोर्चा खुल जाएगा। कुल मिलाकर जो गुटबाजी का रोग कांग्रेस में था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ बीजेपी में आयात करके ले आए हैं, इसी कारण माना जा रहा है कि बीजेपी में तीन तरह की भाजपा बन गई। बिल्कुल, एक मेरा आखिरी सवाल यही है कि अब तक के बीजेपी ने दूसरी सूची तो जारी कर दी लेकिन कांग्रेस ने अब तक एक भी सूची नहीं लाई है कांग्रेस, तो अब इसके पीछे की राजनीति को कैसे समझे, क्योंकि अब तक की तो पहली सूची आ जानी चाहिए थी, कार्यकर्ता नेता इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गई है सूची जारी करने में, ऐसा मैं मानता हूं एक पत्रकार के रूप में, लेकिन एक राजनीतिक दल के रूप में हो सकता है कांग्रेस अंदर खाने एकदम ठोक बजाकर हर तरह से पुष्टि करके सर्वे में बहुत ज्यादा कमलनाथ विश्वास करते हैं, हो सकता है उन आधारों पर नाम तय किए जा रहे हों, पर मध्यप्रदेश कांग्रेस में वैसी गुटबाजी अब नहीं है, कोई समानांतर कमलनाथ के नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बनना चाहता हो या मुख्यमंत्री बनने लायक उसका वरिष्ठता का कोई ऐसा क्रम हो, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है नहीं, बाकी कोई नेता है नहीं, तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सूचियों का इंतजार शायद कर रही होगी, और अब मुझे लगता है उनके सर्वे अर्वे के जो जितने भी उपाय हैं वो पूरे हो गए होंगे, जल्दी लिस्ट उनकी आ जाएगी ऐसा लगता है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राकेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे जो कि इस सूची के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से ये जो सूची है इसके जो नाम है इसके क्या मायने हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना असर इन नामों का पड़ने वाला है, क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर जा सकती है, किस मोड़ पर आके रुक सकती है और भविष्य में कैसे चौंका सकती है, ये तमाम बातें वो बता रहे थे इस सूची का विश्लेषण करते हुए। और जिस तरह से वो जिक्र कर ही रहे थे कि ये जो स्थितियां निर्मित हुई है वो एकाएक नहीं हुई है और कई तरह के फैक्टर इसमें एक साथ आए हैं जिसके बाद ये जो नाम है वो सामने आए हैं, और जो चौंकाने वाले नाम सामने आए उसका भी उन्होंने जिक्र किया, उसके बारे में भी बताया कि किस तरह से नामों तक पार्टी पहुंची होगी। तो कुल मिलाकर 39 नामों का ऐलान किया गया है, 39 नाम ऐसे नाम जो कि इस चुनाव में साम दाम दंड भेद कुल मिलाकर सब कुछ संगठन के लिए करते हुए, और इन नामों पर, इन चेहरों पर, इनके कद पर, इनकी लोकप्रियता पर और इनके अब तक के कामकाज पर एक तरीके से पार्टी ने मुहर लगाई है, और इनका भी अब एक नया एग्जाम एक तरीके से होना है कि इनकी जो लोकप्रियता है जो सदियों से या दशकों से जिस तरह की राजनीति ये करते आ रहे हैं जमीन पर किस तरह से इनकी पकड़ अब भी मजबूत है, कितनी मजबूत है, कैसे वो आगे काम करेंगे, जनता पर, जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी और जनता के मन में क्या अब भी ये बसे हुए हैं या फिर कोई जनता के मन में कोई और बस गया है, अंदर खाने की जो राजनीति है वो क्या कहती है, किस तरह से समीकरण बनेंगे, कौन इन समीकरणों को बनाता हुआ आगे बढ़ पाएगा, क्या ये समीकरण केंद्र से बनेंगे या फिर स्थायी नेताओं के जरिए, स्थायी मुद्दों के जरिए अब तक के समय कार्यकाल के वजह से बन पाएंगे, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जो नाम सामने आए हैं ये हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और ये नाम ऐसे हैं जो कि तमाम समीकरणों को, चाहे जातिगत हो, स्थानीय हो या फिर लोकप्रियता के नाम पर हो, या लोगों के बीच जाके सेवा करने को नाम को लेकर है, या फिर पार्टी का झंडा बुलंद करने के नाम पर हो, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, आंकते हुए, समझते हुए, परखते हुए इन नामों को लाया गया है। लंबा वक्त जरूर लगा लेकिन पार्टी कुल मिलाकर जीतने वाले उम्मीदवार को चुनना चाहती थी और इसीलिए ये वक्त लगा है। और जैसे कि तमाम दिग्गज हमें बता ही रहे थे कि पार्टी नहीं चाहती किसी तरह का कोई रिस्क लेना, इसलिए भी इन बड़े नामों को, इन ऐसे चेहरों को चुना गया है जो कि हर हाल में पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सके। तो 6 महिलाओं को टिकट दिया गया है और लगभग एसटीएससी के 14 चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है, और इसमें आपको ये भी बता दें कि जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के विपक्षी दल के उनके सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। फिर से एक बार बता देते हैं आपको इस सूची के बारे में, ये सूची ऐसे वक्त में आई है जबकि विधानसभा के चुनाव को वक्त कम बचा हुआ है और रणनीति के तहत इस सूची को लाया गया है। ABCD का जो फॉर्मूला तय किया गया था जिसमें कि ए यानी कि जहां पर पार्टी जीतती आई है, बी जहां पर पार्टी 2 या 3 बार जीती है, इस तरह से एक फॉर्मूला तय हुआ है, सी और डी के जो नाम है जो सूची में जिनको रखा गया था, जिन सीटों को रखा गया था उनके नामों का ऐलान किया गया है। तो श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना,
दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहार से अमरीश शर्मा गुड्डू, भीतरवार से मोहन सिंह राठौड़, डबरा से इमरती देवी, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा से रमेश खटिक, राघवगढ़ से हिरेन सिंह बंटी बना, देवरी से ब्रजबिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से गणेश सिंह, मैयर से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक, सिंहावल से विश्वमित्र पाठक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, डिंडोरी से पंकज टेकाम, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, कटंगी से गौरव पारधी। तो ये वो नाम जिनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। देपालपुर से मनोज पटेल, इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय, नागदा खाचरोद से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, सैलाना से संगीता चारेल। तो पार्टी ने नामों का ऐलान किया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से पार्टी जीत सुनिश्चित करती है, अपने आप को मजबूत करती है। इसके पहले 39 नामों का जिक्र पार्टी कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है, जिसमें तो अब सूची आ चुकी है। प्रतिक्रियाओं का दौर आगे किस तरह का